Hey morning guys, so finally we are leaving for the Porsche Dubai showroom today. So कल अपन गए थे Porsche Sharjah वाला showroom, आज जाएंगे Dubai वाला showroom को. So Dubai वाला showroom मैं already गया था last time, but आज फिर से जाएंगे because last time I did not have the driving license, so I was not allowed to drive the test ride vehicle. इस बार तो ना driving license है, सीधा दिखाएंगे and we'll go for the test ride. So कल अपन test ride लिए थे RW edition वाला, आज we are going to take the test ride for the 4S, the model which I'm actually looking for because it's a dual motor, comes with all of the bells and whistles and like everything what I need. But आज तो मेरे को पहले ये जो अपना है रेंज एंगजाइटी वाला चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या हुआ है. सो राइट नाउ इट सेज ओनली 11% अभी है ओनली. मतलब आई फील लाइक कि आई सम हाउ नीड द चार्ज, मेरे को फटाक से सुपर से तो जाना पड़ेगा, इमीडिएट जाके चार्ज करना पड़ेगा एटलीस्ट 40-50% चार्ज. क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रिक कार्स में एक ही इशू है कि जैसे ही वो मतलब वही 10-12-13% पे आता है ना, आपको एक मतलब खतरनाक वाला मतलब रेंज एंग्जाइटी वाला डर ऐसा रहता है आपको लगे भाई कार बंद ना हो जाए. बट ऑफकोर्स मतलब बेसिकली द आइडिया इज व्हेनेवर द कार इज लेस देन 20% बेटर टू जस्ट गो अहेड एंड चार्ज इट, सो एटलीस्ट बी सेफ देन बी सॉरी. सो राइट नाउ है चार्ज ऑफ 26%, मतलब दिखा रहा है तो 150 किलोमीटर्स बट जाएगा नहीं और भी बहुत कम जाएगा. इफ यू गो टू द चार्जिंग इट सेज 150 किलोमीटर्स एंड चार्ज इज लेस. सो सम हाउ आई मैप में एक जबरदस्त वाला फीचर है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द सुपर चार्जर थिंग, सो इट शोज अप मेरे नियरेस्ट क्या क्या सुपर चार्जर्स. सो नियरेस्ट इट सेज 7 किलोमीटर्स, सुपर चार्जर दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स, यहाँ पे अपने को जाने का है. सो वंस वी क्लिक दिस इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कि यहाँ तक मेरे को जाना है 15 किलोमीटर्स एंड 20 मिनट्स. अभी 20 मिनट लगे अपने को ये चार्ज में जाने के लिए. सो यहाँ पहुँचने के लिए जितना टाइम लगे उसी पर ये भी थोड़ा कम होते होता जाएगा, पहुँच के पहले यहाँ चार्ज करेंगे. बेला वेर आर यू गोइंग टू? Porsche शोरूम. विच कार डू यू वॉन्ट टू सी टूडे? Porsche Taycan. चल 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 लेट्स गो. सो भाई लोग थोड़ा चेंज इन प्लान्स, वी आर नॉट गोइंग टू द सुपर चार्जर फर्स्ट, वी डायरेक्टली हैव टू गो टू द Porsche शोरूम. क्योंकि सुपर चार्जर अगर मैं जाता हूँ सो वहाँ लगेगा मेरे को पहुँचने के लिए 20 मिनट, वहाँ चार्ज करने के लिए लाइक 20-30 मिनट्स. उसके बाद आई हैव माय अपॉइंटमेंट एट Porsche एग्जैक्ट 11 AM एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट जितना टाइम पे आप देते हो उतना उससे पहले आपको पहुँचना है, उसके लेट में पहुँच नहीं सकते, इट गेट्स वेरी एम्बेरेसिंग. सो फर्स्ट वी टू गो टू Porsche शोरूम, फिनिश द टेस्ट राइड, देन विल कम टू मॉल ऑफ एमिरेट्स फॉर सुपर चार्जिंग, देन विल कम बैक टू होम. डू यू वांट टू गो टू कारफोर फॉर सम शॉपिंग ग्रोसरी? ओके लेट्स ड्राइव. हे मॉर्निंग. सो कल एक्चुअली मैं कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरा होल डे गवर्नमेंट ऑफिस के काम में चले गए, उसके लिए मैं 50-100 किलोमीटर कल शायद मैं घर पहुँचते हो गया था, मतलब यही दुबई के अंदर घूमते घूमते ही क्लोज टू 250 या 260 किलोमीटर्स हो चुका था. सो आई डिड नॉट गेट टाइम टू शूट. सो उस दिन हम लोग गए थे Porsche शोरूम टू डू द टेस्ट राइड ऑफ द 4S एंड RWD बोथ. सो अभी मैंने RWD एंड 4S को मैं अभी डिसाइड ये नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज 4S इज समथिंग विच यू ओंट बी एबल टू यूज़ इट लाइक एवरी डे आप यूज़ कर सकते हो बट दुबई रोड्स में लाइक एवरीवेयर देर इज लाइक स्पीड कैमराज, आप स्पीड में कहीं जा भी नहीं सकते एंड उसको मतलब जैसे ही आप मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हो यू अगेन हैव टू ब्रेक 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 ब्रेक. तो उसी लिए मेरे को थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि वही पैसा को बचा के मे बी वी विल पुट इट फॉर द M1000RR अकाउंट. अगर 4S लेते हैं मतलब थोड़ा और पैसा खर्चा करके 4S ले भी लेते हैं, द थिंग इज वी ओंट बी एबल टू यूज इट लाइक एवरी डे. अपनो यूज करते करते 1000 बार आपको ब्रेक बिकॉज द कार इज सो ब्लडी फास्ट, द मोमेंट यू टच द एक्सिलरेटर वो फटाक से सुम 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 इट जस्ट गोज सो फास्ट. सो मेरे को थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि RWD लेना है या फिर 4S लेना है. सो अभी व्हाट आई हैव टोल्ड द Porsche शोरूम गाइस इज टू सेंड द कार टू मी फॉर लाइक हाफ डे, आई नीड टू ड्राइव फॉर एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर्स एंड गो टेक इट टू द रोड्स फॉर लाइक 140-160 जहाँ की स्पीड लिमिट ना हो, थोड़ा स्पीड लिमिट ज़्यादा हो. भाई सिटी के अंदर ये सब परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स का रेस कार चला के कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि सिटी के अंदर यू आर ओनली ड्राइविंग एट 40-50-60-80. सो उतना स्पीड में आपको गाड़ी में कुछ मतलब यू ओंट बी एबल गेट टू यूज टू. सो इफ यू आर व्हेन समवन इज स्पेंडिंग लाइक दैट काइंड ऑफ मनी ऑन ए कार ही नीड्स टू एक्चुअली स्पेंड सम टाइम विद द कार. सो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे पास गाड़ी भेजो अपने ड्राइवर के साथ, आई बी ड्राइविंग इट फॉर लाइक हाफ ऑफ द डे टू अंडरस्टैंड लाइक इफ एवरीथिंग मीट्स माई एक्सपेक्टेशंस, इफ इट मीट्स माई रिक्वायरमेंट्स एंड इफ आई रियली लाइक इट और नॉट. उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे RWD लेंगे या फिर 4S लेंगे. तो उस दिन वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, सो आई गेस वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि सोम भाई
इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग ए टेस्ला वाई आर इवन लुकिंग फॉर वन मोर इलेक्ट्रिक कार दैट इज ए पोर्शे टाइकन. सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट टेस्ला इज लाइक दी बेस्ट कार इन द वर्ल्ड आई वुड से. मतलब इसमें जो सब है आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू गेट एनी कार हु इज गोइंग टू गिव ऑल दोज इन अ फुल पैकेज फॉर दिस प्राइस, क्योंकि इसमें सब कुछ है. एंड यही सेम चीज़ को अगर आप पोर्शे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेने जाते हो वो आपको हर चीज़ के लिए हर छोटे छोटे फीचर्स के लिए दे आर गोइंग टू चार्ज यू 1 to 2 lakhs. सो इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक द टेस्ला, आई लव इट, बट द थिंग इज आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लाइक ब्रांड्स लाइक पोर्शे मर्सिडीज. अभी आप घर से निकलते हो तो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ टेस्लास, बट यू आर नॉट गोइंग टू सी नॉट ए सिंगल टाइकन. सो टाइकन इज लाइक वेरी यूनिक, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट बाय इट बिकॉज इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी. टेस्ला इज लाइक गुड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. मतलब इतना पैसा में 50 lakh के अंदर यू आर गेटिंग लाइक एवरीथिंग. यू विल नेवर एवर बी एबल टू जस्टिफाई कि मेरे को गाड़ी कभी अपग्रेड करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वंस यू हैव अ टेस्ला लाइक पीपल ड्राइव इट फॉर लाइक ईयर्स, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ये सब कुछ करता है. यू डोंट नीड टू इवन स्पेंड मोर मनी. बट द थिंग इज मतलब आई नीड टू हैव वन पोर्शे एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि ऑडी अपना था, बीएमडब्ल्यू था, मर्सिडीज था, नाउ वी हैव द टेस्ला, वी नीड टू हैव द पोर्शे एक्सपीरियंस एज वेल. सो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पोर्शे, क्योंकि सबको ही बोलते हैं, मैंने जितने लोगों से बात किया है लाइक पोर्शे इज पोर्शे, उनका जो ड्राइविंग डायनामिक्स ये सब रहता है बहुत ही अच्छा वो बनाते हैं, लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आईसी इंजन दे मेक. सो इसलिए मेरे को लगे नहीं इस बार थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे, बट वी गो फॉर द टाइकन. पैसा तो बहुत एक्स्ट्रा लगेगा टाइकन के लिए, बट येस. सो बेसिकल द आइडिया इज आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस टेस्ला फॉर एवर. सो वंस द टाइकन कम्स आई विल जस्ट गो एड एंड सेल दिस. सो इसीलिए जो पूछ रहे थे कि भाई टेस्ला तो है आप टाइकन क्यों ले रहे हो, सो आइडिया इज टाइकन को ऑर्डर करने के लिए अभी 6 to 7 months लगेगा आने के लिए. वही 6-7 महीने तक अपने पास कोई एक कार रहना चाहिए. सो दिस कार इज गोइंग टू स्टे फॉर नेक्स्ट 5 or 6 months, तब तक ये रहेगा. एंड वंस द टाइकन कम्स आई विल जस्ट गो एड एंड सेल इट. सो दैट इज वॉट द आइडिया इज. और एक सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन था सोम भाई, अगर उतना पैसा खर्चा कर रहे हो व्हाई डोंट यू गो फॉर द एएमजी G63 जी वैगन. वेरी नाइस क्वेश्चन. सो अभी जी वैगन का स्टोरी ऐसा है कि इफ़ यू आर परचेजिंग द टाइकन 4S वी हैव टू स्पेंड क्लोज टू 1.3 crores, मतलब अपना इंश्योरेंस सब कुछ पैसा वैसा मिला के वी हैव टू स्पेंड क्लोज टू 1.3 crores. यस वही 1.3 crores, उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा. एंड सेम उसी में और अगर अपन 15-20 lakh और लगाते हैं वी वुड बी एबल टू गेट द जी वैगन डायरेक्टली. बट द थिंग इज यहाँ अभी तेल का रेट इतना बढ़ गया है, यहाँ तेल का रेट इज़ करेंटली रनिंग क्लोज टू 65-70 rupees. तो 70 rupees अगेन ए लॉट. इफ़ यू आर गेटिंग ए G63 देन अपने को हर दिन मेरे को, क्योंकि मेरा जितना ड्राइविंग है हर दिन मेरे को क्लोज टू हर दिन का ड्राइविंग इज क्लोज टू वही 100 to 120 kilometers. इफ़ माइलेज इज़ लाइक 5 देन आई नीड 20 liters. मतलब मेरे को हर दिन 2000 का तेल डालना पड़ेगा. एक महीना में अगर 60,000 में तेल में डालूंगा इट डजेंट मेक सेंस. सो दैट इज़ द रीज़न आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू गेट द जी वैगन एनी टाइम सून, क्योंकि जी वैगन का अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है. एंड यहाँ अगर अपन लेते हैं एंड इफ यू आर स्पेंडिंग लाइक दैट काइंड ऑफ मनी ऑन द फ्यूल इट डजेंट इवन मेक सेंस. सो आई हैड टू ड्रॉप द प्लान फॉर द जी वैगन. मे बी आगे जाके देखेंगे बाद में कभी टाइम था, बट एनी वेज द जी वैगन का प्रोडक्शन भी अभी इंडिया में क्लोज है, वर्ल्ड भर के लिए क्लोज है. अगर आप ऑर्डर भी करते हो आपको 2 या 3 साल के बाद मिलेगा. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट बिकॉज वी एनी वेज हैड द जी वैगन एक्सपीरियंस. अभी के लिए तो टाइकन ही आएगा. सो टेस्ला विल बी गोइंग एंड टाइकन विल बी कमिंग इन. उसके बाद देखेंगे अपन सेकेंड क्या करेंगे. एंड बाइक का बहुत लोग पूछ रहे, थर्ड क्वेश्चन वाज अबाउट द बाइक. भाई बाइक आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, बाइक पे व्लॉग्स डालो. तो बाइक में आई थिंक आई एम गोइंग टू द बीएमडब्ल्यू शोरूम टुडे और टुमोरो में भी जाऊंगा. तो आपको बाइक का जो टोटल स्टोरी है, कब ऑर्डर होने वाला है, कब आएगा, कितना पैसा लगेगा, क्या डिफरेंस है, सारा डिटेल्स आपको मैं जब बीएमडब्ल्यू शोरूम जाऊंगा ये वीक देन आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. एंड और एक मस्त वाला क्वेश्चन था, भाई ये गाड़ी तो पूरा सेम ही है, आप क्यों और एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो, टेस्ला तो है ही अपने पास. सो बेसिकली द आइडिया इज, देखो टेस्ला ड्राइव्स ग्रेट, टेस्ला इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार, बट द थिंग इज आई नीड मोर फीचर्स फ्रॉम द कार, लाइक अपना सीट वेंटिलेशन हो गया, सीट मसाजिंग हो गया, हेडसअप डिस्प्ले हो गया, ये सारे जो चीज़ रहते हैं ये सब टेस्ला आपको देती नहीं है. ये सब के लिए यू हैव टू गो टू मोर लग्जरी सेगमेंट लाइक पोर्शे मर्सिडीज. मर्सिडीज गिव्स ऑल दोज, पोर्शे गिव्स ऑल दोज, बाकी हर चीज़ के लिए साले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं. अभी मैंने खतरनाक वाला आइडिया लगाया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आइडिया में लगाया. अभी देखो, अभी मैं जब पोर्शे शोरूम गया था, मेरा जो कॉन्फिग है उसमें से काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ शोरूम में जितने भी उनके टेस्ट राइड व्हीकल्स है दुबई हो या फिर शारजाह, उनके पास वो फीचर्स है नहीं, कोई भी कार में नहीं है. सो दे वर नॉट एबल टू शो मी. तो उन्होंने कहा कि अगर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो ले ही लो, बाद में देख लेना, अच्छा ही होगा, क्योंकि पोर्शे का तो नॉर्मली अच्छा ही रहता है. मेरे को लगा नहीं, एक बार टेस्ट करना पड़ेगा. सो मैंने एक स्मार्टली एक आइडिया लिया,
मैंने क्या किया, उनका जो अपना जैसे ओएलएक्स का है, यहाँ एक डूबीजल ऐसा वेबसाइट है, वो वेबसाइट को मैंने गया, वहाँ जो भी सब मतलब ऑल द कंपनीज वेयर सेलिंग टाइकन, मैंने सब टाइकन का कॉन्फिग देखा, जो जो फीचर्स मेरे को चाहिए था। फॉर एग्जांपल शोरूम वन हैड ए कार विच हैड फीचर वन, शोरूम टू हैड ए कार विच हैड फीचर टू। सो मैं चारों सब शोरूम को फ़ोन किया, बोला कि मेरे को कार लेना है, मेरे को आप कार दिखाओ। मैं जाके उनके कार में जाके अपना जो फीचर था देख लिया, टेस्ट कर चुका हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई मैनेज टू गो टू शोरूम, दैट इज़ हाउ मेरा कल 200 या 250 किलोमीटर हो गया, क्योंकि मैं शोरूम से शोरूम घूम रहा था जस्ट टू टेस्ट द फीचर्स इन द कार। एक बार सब कुछ मतलब कंजक्शन में एक बार टेस्ट होने के बाद देन उसको मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ ये चीज़ मेरे को ऑर्डर करना है, ये चीज़ मेरे को डिलीट करना है, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी सारे चीज़ है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट मेकिंग सेंस इफ़ यू आर ऑर्डरिंग, जैसे रियल एक्सल स्टीयरिंग, ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा एड ऑन है जो कि एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस इफ यू आर स्पेंडिंग लाइक 2 लाख पर ऑप्शन। पोर्शा का तो ऐसा है, वो ओनली आपको गाड़ी ही बेच देते हैं, ओनली इंजन बेच देते हैं और सामने का डब्बा बेच देते हैं और सब कुछ आपको लेना पड़ेगा, सब कुछ। ऐसे कि मिरर के नीचे जो मतलब रहता है ब्लैक वाला कवर, उसको भी खरीदना पड़ेगा। मिरर फोल्ड नहीं होगा उसको भी खरीदना पड़ेगा। सीट भी लेदर नहीं होगा उसको भी खरीदना पड़ेगा भाई। ये कंफर्ट एक्सेस खुलेगा नहीं उसको भी खरीदना पड़ेगा। सब कुछ भाई खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा। सो हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर ऑर्डरिंग ए पोर्शा। अभी ये एक डब्बा आके पहुंचा है, क्या हो सकता है लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसका वीडियो कल आएगा, अनबॉक्सिंग वाला वीडियो। एंड एक हिंट दे देता हूँ, कार के लिए एक छोटा वाला सामान है। लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट रहता है। ही इज गोइंग टू गेट सम गिफ्ट। I will see you guys tomorrow in the vlog. Bye bye.